हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आज की न्यू वीडियो में। आज की वीडियो में बात करने वाले हैं वीवो T3 डिवाइस के अंदर आप सिस्टम नेविगेशन सेटिंग कैसे करें, आप अपने फोन में सिस्टम नेविगेशन सेटिंग कैसे करेंगे, ये सेटिंग यहाँ पे आपको बताएंगे। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, सिस्टम नेविगेशन होता है कि आपने 3 बटन्स को चेंज कर सकते हैं। जो आपके बैक बटन है उसको लेफ्ट राइट कर सकते हैं, इस साइड से उस साइड कर सकते हैं, और जो आपका बटन का आइकन है उसको आप चेंज कर सकते हैं, दूसरे डिजाइन में अपने बटन को यूज कर सकते हैं। और इसके अलावा आप अपने बटन को आप हाइड कर सकते हैं, आप अपने फ़ोन से अपने बटन को हाइड कर सकते हैं, जो आपका बटन है आपके स्क्रीन पे नहीं आएगा। आप अपने फ़ोन को बिना बटन के यूज कर पाएंगे। आप साइड से ऐसे स्क्रॉल करेंगे तो आपका बैक हो जाएगा, नीचे से स्क्रॉल करेंगे तो कट हो जाएगा। इस तरह से आप अपने फ़ोन को यूज़ कर पाएंगे। दोस्तों, आप अपने फ़ोन में सिस्टम नेविगेशन सेटिंग कैसे करेंगे, चलिए अपने सेटिंग को ओपन करते हैं और वहां से आपको बता देते हैं। दोस्तों, उसके लिए आपको अपने सेटिंग को ओपन करना है, तो हम अपने सेटिंग को ओपन कर लीजिए। आप देख रहे हैं जो हमारा सेटिंग यहां पे ओपन हो जाता है, और थोड़ी सी आपको स्क्रॉल करना है, नीचे आना है और यहाँ पर आपको मिल जाएगा सिस्टम का ऑप्शन, तो आपको सिस्टम वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। यहाँ पर आप देख रहे हैं सिस्टम का ऑप्शन है, तो आपको इस पर क्लिक करना है, और ऊपर में आपको मिलेगा सिस्टम नेविगेशन, तो आपको उस पर क्लिक करना है। ये वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे, यहाँ पे आप देखेंगे एक छोटा सा वीडियो आ जाता है, इस तरह से अपने फ़ोन को यूज करना है, ये चीज़ यहाँ पे आपको दिखा रहा। ऊपर में आपको मिलता है 3 बटन नेविगेशन। अगर आपको अपने 3 बटन में चेंजेस करना है तो आपको ये वाले ऑप्शन को यूज करना है, और नीचे आना है। नीचे आपको मिलेगा ऑर्डर ऑफ नेविगेशन केज। अगर आपको अपने बटन का जो आइकन है उसको लेफ्ट राइट करना है, तो आप अपने बटन को लेफ्ट राइट कर सकते हैं। यहाँ से आप ऊपर वाले को क्लिक करेंगे, जो आपकी बटन है इस साइड से उस साइड हो जाएगी, जो आपके बैक बटन है इस साइड से उस साइड हो जाएगी। आप यहाँ से अपने बटन का जो साइड है उसको चेंज कर सकते हैं। और नीचे आपको मिलता है आइकन स्टाइल, जो आपके बटन का आइकन है उसका स्टाइल आप चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे 2 स्टाइल के आपको बटन मिलते हैं, दोनों में से आप चॉइस कर सकते हैं कौन सा यूज करना है। हम अगर ये वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो इस तरह के जो हमारे बटन है हो जाएंगे, अगर हम ये वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो इस तरह के हो जाएंगे। यहाँ से आप अपने बटन का जो स्टाइल है उसको मैनेज कर सकते हैं। दोस्तों, आप अपने बटन को हाइड कैसे करेंगे, उसके लिए यहाँ पे आपको मिलता है गेस्टर नेविगेशन, तो आपको इस पर क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे, यहाँ पे आप देखेंगे आपके फ़ोन से जो बटन है वो गायब हो जाएगा, आपके फ़ोन में कोई बटन नहीं आएगा। और यहाँ वीडियो में आपको दिखा रहा किस तरह से आपको अपने फ़ोन को यूज करना है, आप स्क्रॉल कैसे करेंगे, ये चीज़ यहाँ पर आपको दिखा रहा। अगर साइड से आप स्क्रॉल करेंगे तो बैक बटन काम करेगा, अगर नीचे से ऊपर की तरफ स्क्रॉल करेंगे तो कट बटन काम करेगा। यहाँ पे आपको ये चीज़ वीडियो में दिखाई दे रहा। नीचे आपको मिलता है हाइड बटन बार। अगर आपके फ़ोन के अंदर एक बटन आ जाता है यहाँ पे लाइनिंग सा, तो आप उसको भी हाइड करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको ये बटन को इनेबल करना होगा। जैसे आप इसको इनेबल करेंगे, आपके फ़ोन से वो भी बटन गायब हो जाएगा, आपके फ़ोन में कोई बटन नहीं आएगा। तो इस तरह से आप अपने फ़ोन में सिस्टम नेविगेशन सेटिंग कर सकते हैं। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ चुका होगा किस तरह से आपको अपने फ़ोन में सिस्टम नेविगेशन सेटिंग करना है। दोस्तों, वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर लीजिए, अगर हमारे चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, ताकि हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।